हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आप लोग काफी ज्यादा सर्च कर रहे हैं और हमसे भी कमेंट्स के थ्रू और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए सीयू सेट का सिलेबस क्या होता है और अगर हमें बीकॉम एंट्रेंस में अपेयर होना है सीयू सेट के अकॉर्डिंग तो हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी होगी और हम प्रिपरेशन कहां पर करेंगे और उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीजों को देखेंगे कि सिलेबस क्या होगा और आप उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए आप देख लेते हैं कि क्या सिलेबस होता है बीकॉम एंट्रेंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं सीयू सेट की। तो देखिए जैसा आपको पता है कि यहां पर हमें सीयू सेट वाले पैटर्न में दो पेपर देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है पेपर वन और एक हमारे पास है पेपर टू। पेपर वन जो है हमारा वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और अगर हम बात करें पेपर टू की तो वो होता है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या होने वाला है इसमें सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, यही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर हम बात करें इसके पैटर्न की तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 25% जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो पेपर वन में आएंगे यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट वाले होंगे और जो पेपर टू है उसमें रिमेनिंग 75% में डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि जब हम बी कॉम की बात कर रहे हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड, तो 11th 12th में जो कॉमर्स आपने पढ़ी है उन सब्जेक्ट की हम यहां पर बात करेंगे डोमेन स्पेसिफिक में। और कॉमन एप्टीट्यूड में हम देखेंगे इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इस टाइप के सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम समझना कि भाई सीयू सेट का क्या पैटर्न होता है बीकॉम एंट्रेंस के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर पेपर वन की। तो पेपर वन में आप देखेंगे कि आपको यहां पर सब्जेक्ट मिल जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहां पर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए स्टडी करना, तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, ग्रामर सेक्शन की अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेसेस, प्रोवर्ब्स, इंग्लिश वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये सभी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है अगर हम बात करते हैं यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज की। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो ये यहां पर आपको दिए हुए हैं चैप्टर्स और टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं अंडर द हेडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर हम आगे चलते हैं और हमें मिलती है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो यहां पर आप देखेंगे लॉजिकल सीक्वेंसेस, एनालॉजीज, एनालिटिकल रीजनिंग, सीरीज वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, असर्शन एंड रीजन, ये आ जाते हैं रीजनिंग वाले पार्ट में। फिर हम अगर आगे चलते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की। तो यहां पर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर करंट अफेयर्स आपको स्टडी करने हैं, फेमस इंसिडेंट्स एंड इट्स हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ डेज, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये बात हो गई जनरल अवेयरनेस की। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे कि बात होती है पेपर टू की। तो पेपर वन आपने देख लिया है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक की तो यहां पर कॉमर्स से रिलेटेड कौन कौन से यहां पर चैप्टर्स या टॉपिक्स आपको देखने हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की यहां पर आपको प्रिपरेशन करनी है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में जो 75% आपका पेपर कवर करने वाला है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में स्पेशली जो क्लास 12th का आपका पोर्शन था उसकी हम बात करेंगे यहां पर, लेकिन क्लास 11th में जो आपने अकाउंट्स पढ़ी है वो भी आपको आनी चाहिए क्योंकि बेसिक्स तो देखिए आपको पता होने ही चाहिए, उसके बाद ही हम यहां पर सोच सकते हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी के बारे में। तो यहां पर आप देखेंगे बेटा अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, उसके बाद देखिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग, इसमें गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
एंड डिसोल्यूशन, यानी कि पूरी आपकी जो फर्स्ट बुक हुआ करती है क्लास ट्वेल्थ में, है ना। फिर आप देखेंगे कंपनी अकाउंट्स, शेयर्स वाली बुक जो है, तो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फॉर फीचर एंड री इशू, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो ये आपकी जो पूरी शेयर्स वाली बुक हुआ करती है ना, उसका यहां पर आ गया शेयर्स एंड डिबेंचर से रिलेटेड। फिर अगर हम बात करें देखिए आगे अकाउंटेंसी में ही, तो यहां पर आप देखेंगे रेशो वाली जो हमारे पास बुक थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें आप देखेंगे रेशो एनालिसिस, चार तरह के रेशो हमने पढ़े, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कैश फ्लो, तो कैश फ्लो हमने पढ़ा हुआ है जो आपका लास्ट चैप्टर था। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसके कंसेप्ट्स, फीचर्स एंड स्ट्रक्चर। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये आपको स्टडी करने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यहां से भी जरूर लिए जाएंगे। और ये आपको क्लास 11th की बुक में आप देखेंगे तो पीछे की तरफ कुछ पोर्शन है एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करके, वहां पर मिल जाएगा। फिर हम देखिए बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की, तो बिजनेस स्टडीज में आप देखेंगे कि यहां पर भी स्पेशल फोकस किया गया है क्लास 12th की बिजनेस पर, तो नेचर, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन बिजनेस फाइनेंस, यहां पर फाइनेंशियल प्लान्स, मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। और अगर हम यहां पर स्टार्टिंग में देखिए बात करें, तो जो नेचर एंड फंक्शंस ऑफ प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, यहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरा आपको कवर करना है। इसके अलावा जो हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो फ्योल और टेलर के जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे वो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में, तो इसका कंसेप्ट, फंक्शंस एंड मार्केटिंग मिक्स, इसमें 4 P's हम लोग पढ़ते हैं, तो उसकी नॉलेज यहां पर आपको चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो आपका लास्ट चैप्टर होता है बिजनेस वाली बुक में, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आप देखेंगे कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड रिट्रेसल सिस्टम। और यहां पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा कि अब हमारे पास चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो लेटेस्ट जो आपका एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन करें, पुराने वाले एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन मत कीजिएगा। आगे हम चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ, तो यहां पर हम बात करेंगे देखिए मैक्रो और माइक्रो के बारे में। तो यहां पर आप देखेंगे बेटा कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आगे आप देखेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये आपने पढ़ा था। फिर आप देखेंगे नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट बजट। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं बेटा फर्स्ट और सेकंड वाला जो यहां पर पॉइंट है वो रिलेटेड है हमारा माइक्रो से, तो ये समझ लें पूरी माइक्रो वाली बुक इन्होंने कवर कर दी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में। और पॉइंट नंबर 3 to पॉइंट नंबर 6 जो आप यहां पर देख पा रहे हैं वो हमारा है मैक्रो वाला पार्ट। तो यहां पर बेटा हमने देखा कि सीयू सेट के अकॉर्डिंग जो हमारा पैटर्न है वो 2 papers में डिवाइडेड रहा, paper 1 और paper 2। paper 1 जो है आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो वो आपको paper 1 तो देना ही पड़ेगा और सेम ही रहेगा सभी टेस्ट के लिए। लेकिन paper 2 क्या था, वो डोमेन स्पेसिफिक है, यानी कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर मिलने वाला है। जैसे हम यहां पर स्पेशली जब बात कर रहे हैं बीकॉम की, तो कॉमर्स से रिलेटेड रहा आपका डोमेन स्पेसिफिक वाला paper 2। अब ये तो हमने देख लिया भाई सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है, अब प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है आपके पास जो है मौका है कि आप इंटेलिजेंस क्लासेस से कनेक्ट हो सकते हैं, विच इज अलीगढ़ नंबर 1 कॉमर्स कोचिंग।
और यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास सपोर्ट के लिए YouTube चैनल भी है विच इज बाय गॉड्स ग्रेस, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इट इज अलीगढ़ नंबर वन कॉमर्स चैनल ऑल्सो, जिसका नाम है शुएब मसरूर। तो ऑफलाइन आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं बेटा बीकॉम एंट्रेंस के लिए। और अगर आप देखेंगे कि ऑनलाइन किस तरह से होगा, तो ऑनलाइन फैसिलिटी आप जूम के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जूम पर आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, पेपर वन और पेपर टू दोनों ही पेपर्स की। जिन लोगों का दिल है डीयू में एडमिशन लेने का या फिर बाकी किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जहां पर सीयू सेट हो रहा है, ठीक है ना, तो एएमयू में भी आप अगर एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर सीयू सेट नहीं है लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो एएमयू में चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीकॉम एंट्रेंस के लिए एएमयू के लिए या फिर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे कॉलेज में यहां पर सीयू सेट हो रहा है, दोनों ही तरह से प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें कि उनको भी पता लग जाए किस तरह से वो प्रिपरेशन अपनी कर पाएंगे बीकॉम एंट्रेंस के लिए। और आपको ये जो पीडीएफ थी जिसमें सिलेबस लिखा हुआ था, ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस पीडीएफ के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब पता लग जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं बीकॉम एंट्रेंस के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप जरूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी नोटिफिकेशंस आपके पास आए वो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना होता है। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।